हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम प्रेरणा योर होम साइंस मेंटर और आप सभी का स्वागत है मेरी आज की क्लास में तो स्टूडेंट जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाइएगा सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा स्टूडेंट क्योंकि आज आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ आपका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स सो उसका ही आपको नेक्स्ट पार्ट में कराने वाली हूँ स्टूडेंट क्योंकि हमारा ये जो पार्ट है इसका पार्ट वन वो हमने एक दिन पहले अपनी क्लास में कंप्लीट किया था तो आगे आप लोगों को इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं और पढ़ाने की कोशिश करूंगी कोशिश करूंगी कि आप लोग इसको बहुत से समझ पाए कर पाए जिससे कि दोबारा आपको इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े और इस क्लास के हेल्प से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एंड मैं जानती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं कि मैम आपकी क्लास दो बजे नहीं मिलती है मैम आपकी क्लास प्लेलिस्ट में ऐड नहीं मिलती है केवल तीन वीडियो दिखाता है कभी स्टूडेंट इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि मैम आपकी आज क्लास ही नहीं हुई है सो so, स्टूडेंट ये कुछ क्लाशेज़ पिछले कुछ टाइम में चल रहे थे जिसकी वजह से मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि कभी टाइमिंग का इशू रहता था कभी कुछ रहता था बट अब से मेरी जो क्लास है वो रेगुलर दो बजे आपको मिला करेगी सो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दो बजे आपको रेगुलर मेरी क्लास मिल जाएगा टी जी टी के लिए मेरी क्लास है एंड मैंने आप लोगों को जो अभी मतलब एक दिन पहले जो मैंने क्लास ली थी वहाँ पे मैंने आपका एक टॉपिक शुरू किया था ऑडियो विजुअल एड्स सो पहले आज मैं उसे ही आ, कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम आज पढ़ा पाऊँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो भी आप होम साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं सब में टॉपिक से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन का पार्ट है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के सेक्शन में आपका ये ऑडियो विजुअल एड्स आता है एंड आपके स्पेशली एच वाले एग्जाम में आप लोगों का टीचिंग लर्निंग वाला सेक्शन भी दिया हुआ है सो so, ये आ, जो टॉपिक है ये वहाँ पे और ज्यादा काम आप लोगों के आएगा तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आज की क्लास में सो so जो लोग क्लास में जुड़ गए हैं दीप्ति जी ज्योति जी आप लोगों को वेरी 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 गुड आफ्टरनून एंड आप लोगों को स्टूडेंट अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो आप लोगों को मैंने क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड uh, लोग कितना याद रख पाते हैं कितना सोच पाते हैं समझ पाते हैं ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ एंड इसके अलावा इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है ऑडियो विजुअल एड्स की ये भी मैंने आप लोगों को करा दी है आज मुझे आपको क्या कराना है स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कि आखिर एक ऑडियो विजुअल एड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि एक ऑडियो विजुअल एड्स जो होना चाहिए स्टूडेंट आखिर वो कैसा होना चाहिए ठीक है एंड उसको बनाते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन से प्रिंसिपल ऐसे हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे जब आपको ऑडियो विजुअल एड्स तैयार करने होते हैं ड्रॉबैक क्या होते हैं क्या नुकसान है बनाने के कैसे फायदा ज्यादा हो सकता है किस तरीके से डिजाइन करें जो ऑडियो विजुअल एड्स से ज्यादा आपका रिटेंशन रेट हाई हो सके इस चीज के बारे में आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास को तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करूंगी श्रव्य दृश्य साधनों की विशेषताओं के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अभी भी आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है चाहे हम यूजीसी नेट की बात कर ले चाहे स्टूडेंट हम बात करें आप लोगों के एच एग्जाम की चाहे हम बात करें डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की चाहे हम बात करें यूपी के एग्जाम की चाहे हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की चाहे हम बात करें जीआईसी एग्जाम की चाहे हम बात करें एलटी एग्जाम की सो चाहे कोई भी एग्जाम आप स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा आप लोगों को इन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे ये मेरी गारंटी है आप एक बार चेक कीजिएगा आप लोगों को ये सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ तक कि स्टूडेंट बाकी में भी आपको इस के देखने के लिए मिल जाते हैं so, है, है और हमें पढ़ना जरूरी है so, कैरेक्टरिस्टिक्स के, so, के बारे में क्या विशेषताएं होती हैं एक अच्छे ऑडियो विजुअल एड्स में क्या गुण होने चाहिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए सो so, स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट आता है आपके सामने मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल इसका मतलब क्या होता है कि जो एक अच्छा

So, मेरा जो ऑडियो विजुअल एड है वो एक वर्किंग मॉडल होना चाहिए जहां पे बच्चों को ये पता चल पाए कि भाई आर्टरी से ब्लड कैसे जा रहा है वेन से ब्लड कैसे आ रहा है वेन से ब्लड कैसे जा रहा है आर्टरी से ब्लड कैसे आ रहा है पंपिंग कैसे हो रही है जब तक बच्चों को ये चीज़ मैं विजुअली दिखा नहीं सकती तब तक बच्चों के लिए उस मॉडल का कोई बेनिफिट नहीं है सो so, जब हम जिस तरीके का हमें अपना थीम सेलेक्ट करना होता है जिस तरीके का हमारा जो टॉपिक होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं जिसपे हमें टीचिंग देनी है उसी से रिलेटेड हमें अपना मैथड ऑफ जो हमें हमारा टीचिंग का मैथड है वो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाहिए सो so, मेरा कहने का इन शॉर्ट पर्पज़ ये है कि जैसा आप टॉपिक चूज कर रहे हैं अपनी टीचिंग के लिए वैसा ही एड चूज कीजिएगा जो उसको जस्टिफाई करने वाला हो उसको लेकर एक पर्पजफुल आपका जो एक इम्पैक्ट है वो शो होना चाहिए जैसे कि मैंने हार्ट का एग्जाम्पल दिया अगर मुझे बच्चों को हार्ट के बारे में पढ़ाना है तो मुझे हार्ट का वर्किंग मॉडल चाहिए होगा जिससे कि मैं हार्ट की फंक्शनिंग उन्हें समझा सकूं ठीक है एक क्वेश्चन आया है मेरे सामने मैम मैं सिर्फ टीचिंग वहां परचेस की हूँ नेट की पेपर टू के लिए अलग से परचेस करना पड़ेगा क्या येस yes, दीप्ति क्योंकि नेट का जो आपका पूरा कंटेंट है ना वो अलग चैनल पे चलता है एंड वो अलग से एक कोर्स है सो so, आपका टीचिंग के महापैक में आपको टीचिंग की चीज़ें मिल जाएंगी एंड यूजीसी नेट का मेगा पैक अगर आप लोगे मेरे सब्जेक्ट का तो आपको उसमें मेरे सब्जेक्ट की क्लासेस एंड पेपर वन की क्लासेस मिल जाएंगी ठीक है मैम मैं डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रही हूँ प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे सब्जेक्ट संस्कृत है मुझे पेड कोर्स लेना है क्या करूं? ओके सो डी ट्रिपल एस बी में आई थिंक संस्कृत का कोर्स अटेंड uh, so, को कर, कर सकते हैं ठीक है ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा एंड आपको काफी इजी भी रहेगा आपको चीजों को समझने के लिए ठीक है सो so, दूसरा स्टोडेंट हमारे पास जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स uh, आता है वो क्या आता है लोकली अवेलेबल मटेरियल शुड बी यूज फॉर द प्रिपरेशन देखिए जब भी आप ना कोई ऑडियो विजुअल एड्स तैयार कर रहे होते हैं तो एक बात को अपने माइंड में हमेशा बिल्कुल याद रखिएगा कि देखिए जब भी हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं या तो हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए या हम करते हैं कम्युनिटी में जब हमें कोई ऐसा टीचिंग कम्युनिटी uh, टीचिंग हमें करनी होती है यानी कि हमें इनफॉर्मल एजुकेशन देनी होती है ठीक है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं सो so स्टूडेंट हम दोनों जगह पे एक जगह हम ग्रामीण जनता को कुछ सिखा रहे होते हैं एक जगह हम बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं सो so जब भी हम अपने लिए एक ऑडियो विजुअल एड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उसे उन चीजों से बनाएं जो कि उस एरिया में अवेलेबल हो आसानी से मिल जाती हो यानी कि जब आप लोकली अवेलेबल मटेरियल से अपने ऑडियो विजुअल एड्स को तैयार करते हो तो आपके लिए सबसे बेहतर रहता है स्टूडेंट क्योंकि वो एड्स आपका एक तो ज्यादा पॉपुलर होता है और ज्यादा स्टूडेंट वो लोग उसे समझ पाते हैं क्योंकि वो उन्हीं के एरिया से आई हुई चीजों से होता है तो जब हम कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं हम कम्युनिटी टीचिंग की बात करते हैं तो जब आप किसी समुदाय में कोई प्रसार शिक्षा कार्यक्रम चला रहे होते हैं और वहां पे आपको ऑडियो विजुअल एड यूज करना है तो कोशिश कीजिएगा कि लोकल अवेलेबल जो मटेरियल होता है उसी से बनाएं और उसी के द्वारा उसे इस्तेमाल करें ठीक है थर्ड इसका पॉइंट आता है एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट स्टूडेंट जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स है वो हर पैमाने पे खरा उतरने वाला होना चाहिए यानी कि वो हर एस्पेक्ट्स में बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए उसमें किसी भी तरीके का कोई एरर कोई मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए ठीक है जितना सिंपल हो उतना बेहतर है जब भी आप कोई ऑडियो विजुअल एट्स बना रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो जितना सिंपल होगा जितना ज्यादा मतलब आसान सरल तरीके से बना हुआ होगा उतना बेहतर है अगर आपका ऑडियो विजुअल एड एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो स्टूडेंट उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल जितना हो सके उतना सिंपल आप अपने एक ऑडियो विजुअल एड को तैयार कीजिएगा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो शायद वो आपके लर्नर को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है ना आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज शीप स्टूडेंट जब भी हम कोई ऑडियो विजुअल एट्स तैयार कर रहे होते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम उसको कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार करें यानी कि बहुत ज्यादा ओवर कॉस्टेड हमें तैयार नहीं करना है वो सस्ता होना चाहिए किफायती होना चाहिए और लोकल अवेलेबल चीजों से बना हुआ होना चाहिए इन कुछ बातों का ध्यान आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ पर रखना पड़ता है ठीक है आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा लार्ज इनफ टू बी प्रोपरली सीन बाय द होल स्टूडेंट इन द क्लास स्टूडेंट चाहे क्लास में जो पहली बेंच पे बच्चा बैठा हो उसकी बात मैं करूं और चाहे जो लास्ट बेंच पे बैठा हो उसकी बात मैं करूं जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स है वो ऐसा होना चाहिए इतना अच्छे से विजिबल होना चाहिए कि वो हर बच्चे को अच्छे से दिखाई दे हर बच्चा उसे देखकर अंडरस्टैंड कर पाए यानी कि चाहे वो फर्स्ट स्टूडेंट हो या वो क्लास का लास्ट स्टूडेंट हो सबको बहुत ही क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका ऑडियो विजुअल एड जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी टीचिंग में अगर वो ऐसा नहीं पा रहा है सबको नहीं दिख पा रहा है इसका मतलब वो उसका साइज छोटा है बच्चों को नहीं दिख रहा है तो स्टूडेंट फिर वो आपकी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बनाएगा वो उसको और खराब कर देगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है अप टू डेट, अब देखिए स्टूडेंट जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है हमें बच्चों को मान लीजिए हार्ट के बारे में सिखाना है हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में सिखाना है या मैं बात करूं तो किडनी की फंक्शनिंग के बारे में सिखाना है तो अब जैसे कि टाइम क्या चल रहा है कि आप लोगों के वर्किंग मॉडल जो है स्टूडेंट वो आ गए हैं मार्केट में है ना वर्किंग मॉडल पे आजकल ज्यादा फोकस है सो तो जब आप वर्किंग मॉडल की बात करते हो जमाना वर्किंग मॉडल का है तो आपको अगर किडनी की फंक्शनिंग सिखानी है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग सिखानी है तो आपको वर्किंग मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए ना कि आप उसका एक पोस्टर

की नीड है जो टाइम की डिमांड है वो आप लोगों को सोचते हुए अपने ऑडियो विजुअल एड्स को डिजाइन करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है इजिली पोर्टेबल अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी ठीक है मैम आपका क्लास सुन के सी पास हूँ पेपर वन जनरल कार्यगरी की कर्नाटका में कौन सी तैयारी करूँ बताइए प्लीज ओके okay, बबीता जी मेरी क्लास सुन के आप सी पास किए हो ओके okay, ये तो बहुत अच्छी बात है ठीक है अच्छी बात है बट मैं तो सी को पढ़ाती भी नहीं हूँ तो फिर आपने मेरी कौन सी क्लास ऐसी देख ली बेटा जो सी टेट क्वालिफाई हो गया क्योंकि मैं तो होम साइंस की टीचर एंड मैं प्रॉपरली पढ़ाती हूँ तो फिर आपने सी कैसे पास किया मेरी क्लास को देखकर ये मुझे बताइएगा एंड आपको आगे क्या करना है ये तो मैं बता सकती हूँ बट मुझे आप बताओ कि आपने आखिर मेरी कौन सी क्लास ऐसी देखी जिससे आप इतना इंस्पायर हो गए कि आपका सी टेट हो गया ठीक है सो इजिली पोर्टेबल का मतलब क्या है स्टूडेंट की जो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स है वो कैसा होना चाहिए वो बहुत बड़ा बल्कि सा ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा जब भी हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं वो ऑडियो विजुअल एड कैसा होना चाहिए स्टूडेंट पोर्टेबल यानी कि जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सको इस तरीके का होना चाहिए बहुत बड़ा बहुत बल्कि सा ऐसा नहीं होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो हैंडी हो यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उसे उठा के रखना चाहो बच्चों को दिखाना चाहो हाथ में ऐसे पकड़ के दिखाना चाहो सो आसानी से दिखा सको इस तरीके का होना चाहिए ठीक है मोटिवेट द लर्नर देखो अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए कि आप जो भी ऑडियो विजुअल एड बनाओ इस तरीके का बनाओ स्टूडेंट जो आपके लर्नर को मोटिवेट करे आपका लर्नर उसको देख कर मोटिवेट हो जाए किस चीज़ के लिए पढ़ने के लिए और आपके लर्नर का जो रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज हो जाए ये आपको पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं अब स्टूडेंट बात आ जाती है कि जब हम कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स बनाते हैं तो कुछ ड्रॉबैक हमारे सामने आते हैं कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं वो ड्रॉबैक्स क्या होते हैं चलिए उनके बारे में बात करते हैं कुछ कठिनाइयाँ कह सकते हो आप या फिर कुछ नुकसान कह सकते हो जो हमारे सामने हमें देखने के लिए मिलते हैं

कि भाई हम मैम को ही रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ ये पीपीटी हमें पढ़ा देगी या फिर स्टूडेंट हम अगर बात करें तो किताबों की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है किताबों को छापना बंद कर दो सिर्फ ये पीपीटी हमें पढ़ा देगी सो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑडियो विजुअल एड एक टीचर की जगह और एक किताब की जगह नहीं ले सकते हैं वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पे काम कर सकते हैं वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है ये ध्यान रखिएगा वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है और वो उसी की जगह पे काम कर सकते हैं पर वो टीचर का और किताबों का सब्सिट्यूट नहीं है अगर आप ये सोचो कि अगर हमारे पास ऑडियो विजुअल एड है तो हमें किताब की और टीचर की जरूरत नहीं है सो तो ये बिल्कुल ही जीरो वाला पॉइंट रहेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है ना सो so, टीचर के लिए ये हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं बट ये टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट बात आती है इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट जब भी हम कोई ऑडियो विजुअल एड बनाते हैं सो so एक ड्रॉबैक उसका क्या होता है ये होता है कि उन्हें बनाने में हमें बहुत समझ की जरूरत होती है बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है तभी हम उसे प्रिपेयर कर पाते हैं क्योंकि एक टीचर को इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि वो ऑडियो विजुअल एड कैसे तैयार करे और एक ऑडियो विजुअल एड तभी इफ़ेक्टिव हो सकता है जब एक टीचर उसे खुद तैयार करे जिसे उससे पढ़ाना है क्योंकि वो खुद जानता है कि कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है और क्या वो चीज़ें उसमें इंक्लूड करे जिससे उसकी टीचिंग में हेल्प हो सके सो बहुत सारे टीचर आज के टाइम में क्या करते हैं कि अपने ऑडियो विजुअल एड्स को किसी और से बनवाते हैं वो एक गलत चीज होती है क्योंकि आपको खुद को पता है कि आपको किस तरीके से चीजों को डील करना है अगर आप किसी और से बनवाते हैं आपने ना तो उसकी कभी प्लानिंग की है ना प्रिपरेशन की है सो so स्टूडेंट आप उसमें अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाओगे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है ठीक है चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब भी हम कोई ऑडियो विजुअल एड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ सिद्धांत होते हैं जो हमें अपने माइंड में सेट करने पड़ते हैं कि इन सिद्धांतों पे आधारित हम अपने ऑडियो को बनाएंगे यानी कि जब हमें अपना ऑडियो विजुअल एट तैयार करना है सो कुछ प्रिंसिपल हमारे माइंड में होने चाहिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है वो प्रिंसिपल कौन से हैं आइए उनके बारे में पढ़ते हैं ठीक है एक कमेंट आया है मैम ये डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या प्लीज ओके सो मैं आपको बता दूं रुकैया कि आपका ये होम साइंस की क्लास है पी की क्लास नहीं है है तो आ, ये एक जनरल टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो अदरवाइज़ ये, क्लास होम की है, ठीक है तो ये आपका रही है, तो अगर जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, ये की का है ठीक है तो आप पढ़ सकते हो एंड बाकी आई होप मैं सबके कमेंट्स भी साथ साथ देख रही हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ आपके रिप्लाई में करती रहू ठीक है तो अब हम बात करते हैं हम जब भी कोई ऑडियो विजुअल तैयार कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं ये मैं आपको बता रही थी सो श्रव्य दर्शन साधनों के प्रयोग के क्या सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट आइए इनके बारे में बात करते हैं जब हम पहले सिद्धांत की तरफ देखते हैं तो पहला सिद्धांत क्या है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन अच्छे से इसको देख लीजिएगा पहला सिद्धांत आपका क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन होता है यानी कि जब भी आप ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हो तो सबसे पहला प्रिंसिपल उसके चयन पे होगा ठीक है ना कि आप उसका सिलेक्शन कैसे करोगे चयन पे आधारित स्टूडेंट उसका क्या होता है प्रिंसिपल होता है वेरी गुड आफ्टरनून वंदना जी तो देखिए स्टूडेंट आगे दे शुड सूट द एज लेवल अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप कोई ऑडियो विजुअल एड सेलेक्ट कर रहे हो तो उस लर्नर की एज के अकॉर्डिंग करो जिसको आपको शिक्षित करना है चाहे वो आपका एक्सटेंशन एक्सटेंशन में हो सो so आपकी पीपल कौन सी है जिसको आपको टीच करना है कम्युनिटी के के लोग किस एज ग्रुप हैं जिनको आप टीच करना चाहते हो और अगर आपको क्लासरूम में यूज करना है सो so क्लासरूम में आपको कौन सा एज ग्रुप फॉलो करना है बच्चा छोटा है बड़ा है उससे बड़ा है तो आपको एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट अपने ऑडियो विजुअल एड्स को क्या करना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को ऑडियो विजुअल एड्स को हमेशा एज को ध्यान में रखते हुए ही बनाना चाहिए इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लास सिक्स को पढ़ाना चाहते हैं तो क्लास सिक्स के जो बच्चे होंगे उनकी जो एज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपना अपना जो ऑडियो विजुअल एड है वो रखना है अगर हम क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें अपना ऑडियो विजुअल एड रखना पड़ता है ठीक है आगे क्या लिखा है एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर और स्टूडेंट हर लर्नर में हर बच्चे में अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं सो so, जब भी हम कोई ऑडियो विजुअल एड तैयार कर रहे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए और उसके बाद ही स्टूडेंट हमें उसको तैयार करना चाहिए या चयन करना चाहिए ठीक है इट शुड बी इंटरेस्टिंग पहली डिमांड स्टूडेंट यही है कि जो आपका ऑडियो विजुअल एड है ना वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए आकर्षक होना चाहिए क्योंकि जब हम किसी भी ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करते हैं वो जितना जितना अट्रैक्टिव होगा 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 आकर्षित आपके लर्नर का ध्यान उस पे उतना ज्यादा केंद्रित तो अगर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हो आप चाहते हो कि आपका लर्नर उस उसपे फोकस्ड होके या टेंशन के साथ पढ़े तो बहुत जरूरी है कि आपका ऑडियो विजुअल एड एक अट्रैक्टिव एड होना चाहिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एड होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है दे शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल थिंग्स अगर स्टूडेंट मैं बच्चे को मैं फिर वही एग्जाम्पल दे रही हूँ अगर मैं बच्चे को हार्ट की पंपिंग समझाना चाहती हूँ तो अगर मैं हार्ट का वर्किंग मॉडल इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसको देखकर बच्चे को वही फीलिंग आनी चाहिए कि कि वो वो सच में एक हार्ट है है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो उसका कोई बनावटी रूप देख रहा है। अगर आपका एक ऑडियो विजुअल एड आप शो कर रहे हो बच्चे को सो वो कैसा होना चाहिए एक रियल थिंग जैसा होना चाहिए जो बच्चे को देख ये महसूस हो कि वो कोई एक सच्ची चीज देख रहा है एक एक लाइव चीज देख रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो एक

अब जो हमारा प्रिंसिपल है स्टूडेंट वो है कि हम अपने तैयार कैसे करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो ऑडियो विजुअल एड्स किन मटेरियल से तैयार होना चाहिए लोकल अवेलेबल मटेरियल से तैयार होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप कोई फ्लैश कार्ड बना रहे हो ठीक है ना फ्लैश कार्ड अगर आप बना रहे हो स्टूडेंट और आपको उस पे पिक्चर्स लगानी हैं तो वो पिक्चर उसी एरिया के लोगों की होनी चाहिए जहां पे आपको अपनी टीचिंग को परफॉर्म करना है जिससे कि लोग उससे फैमिलियर होंगे लोग उसे जानेंगे पहचानेंगे तो आपके साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा पाएंगे द टीचर शुड रिसीव सम ट्रेनिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ एड्स और स्टूडेंट जब भी कोई टीचर को ऑडियो विजुअल एड तैयार करना है तो उससे पहले बहुत जरूरी है कि टीचर को प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे कि वो ऑडियो विजुअल एड्स को अच्छे से तैयार कर सके क्योंकि एक टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो खुद से अपना एड तैयार करे और उसके लिए ये भी जरूरी है कि उसे एक ट्रेनिंग मिल जाए और ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो एक हंड्रेड एफर्ट डाल पाएगा अपने ऑडियो विजुअल एड को तैयार करने में ठीक है द टीचर सम ऑफ द आइडिया ठीक है ना हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो खुद से अपने को बना पाएगा। और कहीं ना कहीं इससे फायदा किसका होगा लर्नर का होगा क्योंकि लर्नर के लिए टीचर अपने हंड्रेड परसेंट एफर्ट जो है वो डाल पाएगा ठीक है आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट हमारे लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम अपने ऑडियो विजुअल एड को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं कैसे तैयार कर रहे हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही बट एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने अब आप चलो सेलेक्ट कर लिया तैयार कर लिया अब आप उसे प्रेजेंट कैसे करोगे मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि आप उसे अपने बच्चे के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है तभी तो वो आपका सीख पा रहा है उससे चाहे वो सीखे चाहे वो ना सीखे सो so, सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा सो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए उस पर अब हम बात करेंगे सो so, स्टूडेंट क्या लिखा है टीचर शुड केयरफुली विजुअलाइज द यूज ऑफ टीचिंग एड बिफोर देयर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट जबी भी एक टीचर को अपने ऑडियो विजुअल एड से प्रेजेंटेशन देनी है, उसे पहले से उसका एक ट्रायल लेकर देख लेना चाहिए ठीक है ना देखो लिखा है ना टीचर शुड केयरफुली विजुअलाइज़ द यूज़ ऑफ टीचिंग एड बिफोर देर एक्चुअल प्रेजेंटेशन। जब आपको पता है कि आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होने वाली है उससे पहले स्टूडेंट आपको खुद से एक बार एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन ठीक से हो पा रही है नहीं हो पा रही आपका ऑडियो विजुअल एड काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है सो so आपको ये चेक कर लेना चाहिए ठीक है दे शुड फुल्ली फैमिलियर देमसेल्फ विद द यूज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द एड्स और स्टूडेंट एक टीचर को पहले से ही उस एड के साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है जिस एड का वो इस्तेमाल कर रहा है फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक स्मार्ट बोर्ड है और इस स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो अगर मैं इस स्मार्ट बोर्ड से फैमिलियर नहीं होंगी स्टूडेंट तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी मान लीजिए आज मेरी ये पहली क्लास है फॉर एग्जाम्पल आज मेरी ये पहली क्लास है और आज पहली क्लास में मुझे कोई बोले कि भाई आपको ना स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है पीपीटी की हेल्प से और मैंने कभी ना पढ़ाया हो तो स्टूडेंट क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी क्या मेरी पहली क्लास अच्छे से हो पाएगी मुझे लगता है मेरी पहली क्लास ही ख़राब हो जाएगी क्योंकि ना तो मैं इस बोर्ड से फेमिलियर होंगी ना ही मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से फेमिलियर होंगी तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए ये बोर्ड मेरे लिए एक टीचिंग एड है और मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे इसके सारे फ़ीचर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है मुझे पता होना चाहिए पेन कैसे चलाना है इस पर चौक नहीं चलेगी पेन चलेगा कैसे चलेगा रबड़ कैसे आएगी कुछ लिख दूंगी तो साफ कैसे करना है पेन मोटा कैसे लेना है पतला कैसे लेना है कलर कैसे चेंज करना है है ना ये सारी चीजें स्टूडेंट मुझे पता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि मैं इसे एज ए टीचिंग एड इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ठीक है दूसरी बात जब भी आप कोई ऑडियो विजुअल एड्स को, को प्रेजेंट कर रहे हो इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए टूटा फूटा कटा फटा इस तरीके का नहीं होना चाहिए अगर आप एक चार्ट पेपर भी इस्तेमाल कर रहे हो उस पर आपने कोई पिक्चर बनाई है आप कोई पोस्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से होने चाहिए एंड वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए ठीक है ना सो so, जब भी हम कोई ऑडियो विजुअल एड इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो डैमेज प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है ना नेक्स्ट देखिएगा द एड शुड बी डिस्प्लेड प्रॉपरली सो दैट ऑल द स्टूडेंट आर एबल टू सी इट जब भी आप कोई ऑडियो विजुअल एड तैयार कर रहे हो इस बात का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखो कि उसे इस तरह से तैयार कीजिएगा स्टूडेंट उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो सब स्टूडेंट्स को क्लास के अच्छे से विजिबल हो जाए यानी कि अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ जैसे कि पहले कभी कभी इशू आता था कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ाती थी सो फोन साइज अगर जरा भी छोटा होता था तो आप लोगों को विजिबल नहीं हो पाता था है ना क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ कैमरा यहाँ लगा है यहाँ से आप लोगों को फोन साइज विजिबल नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों को जब दिखेगा ही नहीं तो आप पढ़ोगे क्या है ना सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी एड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस लर्नर को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए जिसको आप समझा रहे हो पढ़ा रहे हो अगर ये फॉन्ट साइज आपको विजिबिल नहीं होगा तो आपके लिए इस क्लास का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है, है ना तो ये सारी चीजें स्टूडेंट में आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप इसको खुद से रिलेट कर पाओ और इसको समझने की कोशिश कर पाओ ठीक है नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पांस अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स के बारे में अच्छे से देखिएगा टीचर्स गाइड द स्टूडेंट टू रिस्पोंड एक्टिव टू द एवी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट के एक टीचर को एक ऐसा एवी तैयार करना चाहिए जिससे कि बच्चा मजबूर हो जाए रिस्पांस करने के लिए यानी कि बच्चे की ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने वाला आपका ऑडियो विजुअल एड होना चाहिए बच्चे की लर्निंग को रिन्फोर्स करने वाला बच्चे के अंदर ना एक उत्सुकता जागृत करने वाला कि वो क्वेश्चन को पूछे टीचर से क्वेश्चन पूछना शुरू करे इस तरीके का आपका एड होना चाहिए जो बच्चे को स्टिमुलेट करे बच्चे के लिए क्या बन जाए उद्दीपक का काम करने लगे बच्चा उससे स्टिमुलेट क्वेश्चन पूछे और उसके अंदर एक जिज्ञासा जो है ना वो उत्पन्न शुरू हो जाए इस तरीके का आपको ऑडियो विजुअल एड रखना है कि बच्चा आपका उस ऑडियो विजुअल एड को लेकर तुरंत रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे लास्ट आपका देखिए एक और आता है प्रिंसिपल जिसको हम किस नाम से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन इज नेसेसरी आप जो भी स्टूडेंट अपनी टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि आप उसको आसानी से इवैल्यूएट कर सके और वो एड आपका बच्चे की लर्निंग को इवैल्यूएट कर सके यानी कि आप तो अपने एड को इवैल्यूएट कर सको और जो एड है आपका वो बच्चे की लर्निंग को इवैल्यूएट कर सके इस तरीके से ऑडियो विजुअल एड्स को आपको तैयार करना चाहिए यानी कि वो इवेल्युए के टूल के माध्यम से आप उसको इस्तेमाल करें ठीक है ना कि अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं समझा रहे हैं तो वो ऑडियो विजुअल एड उसके लिए एक असेसमेंट का तरीका भी बन जाए इस तरीके से हमें अपने ऑडियो विजुअल एड्स को क्या करना होता है तैयार करना होता है सो मुझे बताइए स्टूडेंट इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं कोई डाउट तो नहीं जितनी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं इसमें आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट कोई क्वेरी कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहते हो कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई आप हमें ये पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा या मैम हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई आप हमें ये चीज क्लियर कर दीजिएगा जो आपको लगता हो कि मैम मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई मुझे बताइए एक बार Then, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट चार्ट के बारे में ठीक है ना सो so, चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अब हम देखिएगा हमने ऑडियो विजुअल एड के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है हमने ड्रॉबैक पढ़ लिया है हमने उसकी बेसिक मीनिंग डेफिनेशन पढ़ ली है हमने उसकी वैल्यू पढ़ ली है अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट अब हम अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में जानेंगे सो so डेफिनेटली आप लोगों को ये टॉपिक बहुत डिटेल में मैं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ एंड आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी ये टॉपिक हमारा मुझे उम्मीद है कि आज भी खत्म नहीं होगा बट हम इसको कल की क्लास तक कंप्लीट करेंगे एंड कोशिश ये रहेगी कि इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा तैयार ना करना पड़े ठीक है ना तो चलिए स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं चार्ट के बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगी सो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन तरीके की एड होते हैं एक होता है ऑडियो वाला एक होता है वीडियो वाला एक होता है ऑडियो वीडियो वाला है ना सो ऑडियो एड वो होता है जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं विजुअल एड वो होता है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं एंड ऑडियो विजुअल एड्स वो होता है जिसे आप सुन भी सकते हैं जिसे आप देख भी सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं चार्ट की तो चार्ट स्टूडेंट एक कैसा एड होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि अगर मैं चार्ट की बात कर रही हूँ तो चार्ट एक कैसा एड होगा ऑडियो होगा विजुअल होगा या ऑडियो विजुअल होगा ये बताइएगा मुझे स्टूडेंट्स कि अगर हम चार्ट की बात कर रहे हैं तो चार्ट एक ऑडियो एड है चार्ट एक विजुअल एड है या फिर चार्ट एक ऑडियो विजुअल एड है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर कि चार्ट एक किस तरीके का एड होगा ऑडियो है वीडियो है ऑडियो विजुअल है बताओ जल्दी से तभी हम चार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे बताओ कि चार्ट कौन सा एड होगा स्टूडेंट सबको बताना है जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं मुझे बताएंगे कि आपका जो चार्ट है वो किस तरीके का एड होता है ऑडियो एड होता है विजुअल एड होता है या ऑडियो विजुअल एड होता है वेरी गुड उपासना जी वेरी गुड प्रिया बताइए प्रिया ओके प्रिया ने आंसर दे दिया विजुअल एड उपासना जी ने आंसर डिलीट कर दिया ओके okay. ठीक है तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट जब हम चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट हमारा एक क्या होता है दृश्य साधन होता है यानी कि विजुअल एड होता है ठीक है ना जो भी लोग बाकी क्लास में हैं वो अच्छे से समझेंगे कि चार्ट हमारा स्टूडेंट एक विजुअल एड होता है एक दृश्य साधन होता है जिसको हम देख सकते हैं पर उसे हम सुन नहीं सकते हैं ठीक है ध्यान से देखिए चार्ट आर द मीन्स टू प्रोवाइड रिटर्न एंड पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट फैक्ट इन अस्टमेटिक वे स्टूडेंट चार्ट में ना आप लोगों को कुछ लिखित जानकारी देखने के लिए मिलती है और कुछ स्टूडेंट आप लोगों को पिक्चर की फॉर्म में जानकारी देखने के लिए मिलती है सो so, दोनों चीजों में जानकारी आपको चार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी थोड़ा लिखित मैटर होता है और थोड़ा स्टूडेंट आप लोगों का ऐसा मैटर होता है जो पिक्चर की फॉर्म में होता है ठीक है ना सो so, चार्ट में क्या चीजें होंगी स्टूडेंट लिखित जानकारी भी होगी पिक्चर भी दी गई होगी पर वो सिस्टमैटिक वे में मैनेज होगी यानी कि अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से उसको क्या किया जाएगा स्टूडेंट व्यवस्थित किया जाएगा सो so, एक चार्ट के एडवांटेज क्या होते हैं हैं वाई वाई हम चार्ट चार्ट यूज करते को यूज करने का मेन पर्पस क्या है एडवांटेज क्या है पहली बात तो ये स्टूडेंट के ये एक इफेक्टिव टूल होता है ठीक है ना कैसा टूल होता है स्टूडेंट ये एक इफेक्टिव टूल होता है हमारे लिए काफी एक प्रभावशाली साधन है जो कि बच्चों को सिखाने में हेल्प करता है क्योंकि चार्ट में आपके कुछ लिखित सामग्री होती है और कुछ पिक्चर्स होती है तो बच्चों को समझने में काफी आसान हो जाता है इट अराउज इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस और स्टूडेंट जो चार्ट होते हैं ना वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्चर करने वाले होते हैं ये ध्यान रखिए भी मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ाऊं और उसमें हर थोड़े थोड़े रिटन मटेरियल के बाद में मैं कोई चार्ट डाल दूं तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उसको पढ़ने में क्योंकि आपको वो एक जैसा नहीं लगेगा वो आपको थोड़ा अलग अलग चीज उसको देखने में लगेगी शायद इसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ठीक है ना इट इज पोर्टेबल इजी टू मेक एंड चीप और स्टूडेंट जो चार्ट होता है एक तो वो क्या होता है पोर्टेबल होता है आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से लेकर जा सकते हो ठीक है ना बनाने में काफी आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और स्टूडेंट बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं बनता है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा कि जो चार्ट है आपका ना तो वो बहुत ज्यादा महंगा बनता है और आपका आसानी से बन भी जाता है और आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेकर भी जा सकते हो ठीक है इट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ ऑडियंस और स्टूडेंट ये ऑडियंस का इंटरेस्ट गेन करने वाला और अटेंशन को गेन करने वाला होता है यानी कि ऑडियंस में इंटरेस्ट को उत्पन्न कर देता है एंड उनकी जो अटेंशन है उसको ये गेन कर लेता है उनके ध्यान को केंद्रित करने वाला होता है उनके ध्यान को आकर्षित करने वाला आपका चार्ट होता है ठीक है आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन एंड एनकरेजेस एक्शन स्टूडेंट जब हम क्लासरूम में एक चार्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है कि जो केवल वार्तालाप हो रही होती है ना मुंह से बोलचाल ये उसे कम करने का काम करता है क्यों क्योंकि जब आप क्लासरूम में चार्ट दिखाओगे तो कुछ देर तो स्टूडेंट आपको चुप ही रहना पड़ेगा आप बच्चे से कहोगे बेटा देखो ये ऐसे है ऐसे है अननेसेसरी so, बातचीत हो रही है ये उसको कम कर देता है वर्बलाइजेशन को कम कर देता है एंड बच्चे की लर्निंग को और ज्यादा रेनफोर्स करने का काम करता है एनहेंस करने का काम करता है कैन बी यूज एंड रीयूज अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जब आप कभी भी कोई चार्ट बनाते हो तो आप उसे रियूज कर सकते हो एंड कर सकते हो यानी कि मैंने अगर मान लीजिए मैंने अकबर पे एक चार्ट बनाया है तो मैं उस चार्ट को दस बार भी इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसे बनाकर एक बार यूज करके अपने पास संभाल के रख सकती हूँ और उसके बाद मुझे जब जब जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा से अकबर का चैप्टर पढ़ाऊंगी उतनी बार मैं स्टूडेंट दोबारा से अपने चार्ट को इस्तेमाल कर सकती हूँ सो चार्ट का हमारे लिए एक बेनिफिट ये होता है कि चार्ट को रीयूज किया जा सकता है स्टूडेंट आप चार्ट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लिए एक एडवांटेज रहता है चार्ट का ठीक है डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट अब कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके फायदे और नुकसान हमारे लिए दोनों होते हैं तो हम नुकसान की तरफ देखते हैं कैन नॉट बी यूज फॉर इलिटरेट पीपल अब ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि चार्ट पे क्या होता है स्टूडेंट चार्ट पे कुछ लिखित सामग्री होती है और कुछ पिक्चर होती है ये आपको पता है ना मैंने आपको एक बार क्लास में डिफरेंस भी समझाया है कि चार्ट और पोस्टर में अंतर क्या होता है एक क्लास मैंने आप आप लोगों लोगों की ली थी अगर आप को याद आ रहा हो छोटी वाली वाली मिनट क्लास ली थी आप लोगों की और आपको बताया था कि चार्ट में और पोस्टर में क्या अंतर है सो so, स्टूडेंट अगर आप लोग देखोगे तो जो चार्ट होता है उसमें आपको पता है कि रिटर्न मटेरियल भी लिखा हुआ होता है थोड़ी बहुत लिखित सामग्री भी होती है तो स्टूडेंट जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उन लोगों के लिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा जो चार्ट होता है चार्ट को आप उन लोगों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ठीक है सो so, जो लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ ये उन लोगों तक ही सीमित होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते उन तक आप इसको नहीं पहुंचा सकते दूसरी बात कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज ग्रुप स्टूडेंट चार्ट छोटा सा होता है आप एक चार्ट को बहुत बड़े ग्रुप के लोगों को नहीं शो कर सकते यानी कि चार्ट जब भी आप बनाते हो सो तो एक बड़े नंबर ऑफ पीपल को आप उसे शो नहीं कर सकते वो छोटे ग्रुप के लिए ठीक होता है एक रूम में अगर हमें लोगों को समझाना है तो ठीक है बट अगर हमें बल्क में लोगों को समझाना है ना तो चार्ट आपके लिए यूजफुल नहीं होता है ठीक है ना सो so, फॉर प्रिपरेशन और एक और disadvantage क्या है कि चार्ट बनाने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है जो व्यक्ति चार्ट का निर्माण करता है उसके अंदर स्किल्स होनी जरूरी है कि वो एक अच्छा चार्ट प्रिपेयर कर सके आपको पता है ना कि अच्छा चार्ट भी सब लोगों से नहीं बन पाता चार्ट बनाने के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है स्किल की जरूरत होती है तो हर कोई स्टूडेंट एक अच्छा चार्ट जो है वो मेक नहीं कर पाता बना नहीं पाता ठीक है एक अच्छे चार्ट के आप लोगों को गुण बता देती हूँ होते हैं एक अच्छे चार्ट के अंदर वो ध्यान से देख लीजिएगा सो so, एक गुड चार्ट के अंदर क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए जैसे कि द चार्ट शुड बी सिंपल क्लियर नीट एंड गुड कलर कंट्रास्ट जो भी आप चार्ट बना रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि वो चार्ट आपका जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाइएगा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए यानी कि साफ सुथरा स्पष्ट होना चाहिए और कलर कंट्रास्ट उसमें अच्छे यूज होने चाहिए जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके ठीक है ना सो so, चार्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके के कलर कंट्रास्ट को यूज करिएगा जो कि एक पर्सन को अट्रैक्ट कर सके और आपके उसमें इंटरेस्ट जागरूक कर सके ठीक है ना चार्ट शुड सपोर्ट द रिटन वर्ड्स विद पिक्चर स्टूडेंट जब भी हम चार्ट बनाते हैं तो हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है कि चार्ट हमारे किस तरीके से बना होता है जो चार्ट में स्टूडेंट आपकी क्या चीजें होती हैं सपोर्ट द रिटन वर्ड्स विद पिक्चर चार्ट में स्टूडेंट हम जब चार्ट बनाते हैं तो कुछ चीजें लिखित रूप में होती हैं और उन लिखित रूप में लिखी हुई चीजों को सपोर्ट करते हुए एक पिक्चर बनी होती है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो चार्ट बनता है स्टूडेंट चार्ट में जो आपका रिटिन मटेरियल होता है उसको सपोर्ट करने वाला आप एक पिक्चर साथ में बनाते हो तो इससे क्या होता है इससे ये पता चलता है कि आप लोगों के चार्ट में रिटिन कम होती है एंड रिटिन मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए आप पिक्चर को ऑन करते हो ठीक है ना चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट शुड हाईलाइट द मेन पॉइंट एक अच्छे चार्ट के क्या गुण हो सकते हैं स्टूडेंट कि उसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं सबको अलग से हाईलाइट किया गया हो ये ध्यान रखिएगा एक चार्ट की अच्छी बात क्या होती है कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आप सबको हाईलाइट करिएगा चार्ट की पहचान होती है कि जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो अलग से दिखने चाहिए विजुअल होने चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है स्टूडेंट तो फिर उसका कोई यूज नहीं रह जाता है शुड बी सफिशियंटली लार्ज टू बी सीन ईजिली और मैं अगेन वही बात कहूंगी कि चार्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं वो सफिशियंटली विजुअल होना चाहिए इतना बड़ा होना चाहिए जो कि हर व्यक्ति को आसानी से दिख जाए हर व्यक्ति को जिसको उसके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है उसको वो इजीली विजिबल हो जाए अगर आपका कोई भी ऑडियो विजुअल एड विजिबल ही नहीं है ये क्या है ये एक तरीके का विजुअल एड है एंड विजुअल एड ही विजुअल ना हो तो फिर स्टूडेंट क्या वो इफेक्टिव लर्निंग में यूज हो सकता है आप खुद बताओ कि चार्ट आपका क्या होता है एक विजुअल एड होता है जो दिखने वाला साधन है दृश्य साधन है और एक दृश्य साधन ही ठीक से दिख ना रहा हो तो क्या वो टीचिंग में मदद कर पाएगा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं कर पाएगा सो एक दृश्य साधन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए वो दिखना चाहिए और जब वो सबको दिखेगा तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली वो आपका ध्यान जो है उसे क्या कर लेगा आकर्षित कर लेगा ठीक है ना तो आपको इस चीज का क्या करना पड़ता है अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है ठीक है सो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने अपने चार्ट तक का जो टॉपिक है ये हमने आज कवर अप किया है कल की क्लास में आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो आप लोगों के ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे ठीक है सो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के आई होप आपको मुझे लगता है मज़ा आया होगा ये टॉपिक पढ़ने में जितनी भी चीज़ें मैंने आप आज लोगों को समझाई हैं आपके काम आएंगी कल ये टॉपिक पूरा करने के बाद स्टूडेंट जो एच का नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को कुछ करना शुरू करेंगे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे जो हमारे डी ट्रिपल एस बी दोनों एग्जाम्स में काम आए एंड वही पॉइंटर्स हम लोग अपने फॉलो करना करेंगे सो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा मजा आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा रेगुलर ये क्लास अब से दो बजे हुआ करेगी सो so बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगातार मैसेज करके पूछते हैं कि मैम आपकी क्लास दो बजे नहीं हो रही है ठीक है आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो हमें पता नहीं चल पा रहा है क्लास जो है वो हमें प्ले में नहीं मिल रही है क्लास हो रही है नहीं हो रही है सो so वो परेशान होना बंद कर दीजिएगा आपको क्लास रेगुलर यहाँ पे दो बजे मिलेगी सो so आप लोग क्लास को लाइक करके अपनी प्ले में सेव करा करो जिससे कि आप लोग दो बजे उसी सेशन पे क्लिक करोगे तो आपको मेरी क्लास मिल जाएगी ठीक है ना सो so, एड्टेड चाहिए था एड्टेड चाहिए था क्या चाहिए था भाई आराधना क्या चाहिए था ओके okay, दो बच्चों ने मेरे से क्लास के स्टार्टिंग में आ क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमने जैसे एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए ओके okay, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम आपका जो यूजीसी नेट वाला बैच है उसकी क्लासेस मैं कैसे देख सकता हूँ तो मैं आपको बता दू स्टूडेंट की जिसका ये क्वेश्चन था कि भाई यूजीसी नेट की क्लास वो बच्चा कैसे देख सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है जिस भी बच्चे ने टीचिंग का महापैक लिया हुआ है स्टूडेंट तो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग का महापैक एंड यूजीसी नेट की क्लासेस बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है ना सो so, जिन्होंने टीचिंग का महापैक लिया हुआ है वो यूजीसी नेट की क्लास नहीं देख सकते हैं और अगर टीचिंग के महापैक वाले बच्चे को यूजीसी नेट की क्लास देखनी है तो उसे क्या करना होगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन उसे गूगल पे डाल के सर्च करना है जैसे वो गूगल पे डाल के सर्च करेगा स्टूडेंट आप लोगों को ये पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है जो कि आपका ये इंडिया लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आपका प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है इस पे जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट तो आपके सामने ऑप्शन आता है ऑल कोर्सेज का जब ऑल कोर्सेज पे जाके आप लोग क्या करेंगे

तो आप लोगों को व्यू ऑफर पे क्लिक करना है एंड व्यू ऑफर पे क्लिक करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे जो की है वाई पांच सो स्टूडेंट जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हो वाई, वाई आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा एक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट और इस डिस्काउंट में आपको मिलेगा कि मेरा जो ये बैच है लगभग इकतालीस सौ रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा बट अगर किसी बच्चे को पेपर वन एंड पेपर टू यूजीसी का दोनों साथ में पढ़ना है यानी कि वो मेरे पेपर वन में भी पढ़ना चाहता है लेना होगा जो आपका यूजीसी होने वाला है देखिएगा आपका यूजीसी नेट होम साइंस मेगा पैक भी अवेलेबल है और इस मेगा पैक को अगर आप देखते हैं स्टूडेंट तो आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना होगा जैसे ही आप यहाँ पे एंटर कूपन कोड टाइप करेंगे स्टूडेंट आपको लगाना है वाई पांच सौ इकहत्तर आप वाई पांच सौ इकहत्तर जैसे ही टाइप करेंगे आपको पांच हजार रुपए की रेंज में ये पूरा मेगा पैक मिल जाएगा जो कि यूजीसी नेट का है सो यूजीसी नेट के एक साल तक जो भी बैचेस लॉन्च होंगे चाहे वो कितने भी नए बैचेस हों उन सबको स्टूडेंट आप देख पाओगे मेरी लाइव क्लासेस मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों की पेपर वन की टेस्ट सीरीज आप लोगों की ई बुक सब लोग आप लोग क्या कर पाओगे एक्सेस कर पाओगे सो so, जिन बच्चों को ये वाला कंफ्यूजन था ये मैंने क्लियर कर दिया है एंड एक बच्चे को कंफ्यूजन था कि मैम मैं संस्कृत से तैयारी करना चाहता हूँ मेरा डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है सो मैं संस्कृत के लिए कौन सा बैच ले सकता हूँ या क्या चीज ऐसी है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ सो जो संस्कृत वाला बच्चा था वो क्या कर सकता है भाई ऑल कोर्सेज पे जाना है आपको ऑल कोर्सेज पे जाके जब आप टीचिंग एग्जाम को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को टीचिंग का महापैक दिखेगा स्टूडेंट्स सो so, जिस बच्चे को एक संस्कृत के एग्जाम की तैयारी करनी थी मैं उसे यही सजेस्ट करूंगी कि डी ट्रिपल का एग्जाम है तो पेपर वन की प्रिपरेशन भी करनी होगी सो so, आप लोग टीचिंग का महापैक ले सकते हैं जिन्हें डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करनी है सो so, टीचिंग के महापैक में स्टूडेंट आप लोगों को व्यू ऑफर पे क्लिक करना होगा व्यू ऑफर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप लोग यहाँ पे भी सेम कोड अप्लाई करेंगे वाई पांच सौ इकहत्तर जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट अच्छे से एक बार देख लीजिएगा जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे आपको ये महापैक मिल जाएगा लगभग साढ़े तीन हजार रुपए की रेंज में और इसमें आप डी टपल एस बी यूपी एच टेट सारी की सारी क्लासेस को देख पाओगे और सारे के सारे बैचेस की लाइव क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे तो जिस भी बच्चे को जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है और अगर वो एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड है तो मैं यही कहूंगी कि आने वाले एक से डेढ़ साल के अंदर होने वाले जो भी टीचिंग के एग्जाम है सबकी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक महा पैक लेने से सो so, मुझे नहीं लगता कि अपनी एजुकेशन के लिए हम लोग साढ़े तीन हजार रुपए लगाने में हमें सोचना चाहिए क्योंकि एक महा पैक और हम सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे जो भी अगले एक साल तक हमारे बैचेस लॉन्च होने हैं तो so, चाहे वो पेपर वन हो पेपर टू हो सी टेट हो सुपर टेट हो यूपी टेट हो कुछ भी क्यों ना हो आप लोग सब एक्सेस कर पाओगे सो so, जनरली हम शॉपिंग करते हैं कपड़े खरीदते हैं ये तो हम तभी भी कर लेते हैं ना सो so, अगर हमें एक

एंड जहाँ पे आप लोगों को बाकी सारी एड्स में कवर अप कराऊंगी सो बाय स्टूडेंट्स टेक केयर